कब था जब वो आपके सबसे ज्यादा व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया? दो साल पहले मैंने एक सीरीज करी थी 100 डेज ऑफ ड्रीमिंग, उसमें 90 दिन के अंदर हमें मिले थे 350 मिलियन व्यूज। अचानक से कैसे लगा कि चलो गंगा किनारे और एक कहानी लिखी जाए? गंगा से प्यार मेरा बचपन से रहा है, गंगा के साथ फैसिनेशन रहा है। मेरे को लगता है लोग तब तक नहीं अवेक होते हैं जब तक एकदम सर पे दिक्कत खड़ी है। अब इस बुक में हमने उतार दिया बड़ी सच्चाई से जो जो हमने देखा है। मुझे लगता है खूबसूरती ज्यादा उतारी है। पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है। हमारे साथ है इस वक्त एक ऐसा टैलेंट जिसके अंदर कई टैलेंट छिपे हुए हैं। ये लड़का आपको YouTube पे भी दिख जाएगा और अल्ट्रा ट्रेंडिंग वीडियोस का शहंशाह है ये। और फिर इसको लगा कि हमें ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल भी एक बहुत ही ख़ास अंदाज में। जी हाँ, देश में गंगा के हर, मुझे लगता है कोई ऐसा छोर होगा नहीं आपने छोड़ा होगा गंगा किनारे का, और उसे फिर एक खूबसूरत किताब में भी लेकर के आए, मेलेडीज ऑफ इंडिया। रौनक, आप तो YouTube पे लगातार अल्ट्रा ट्रेंडिंग वीडियोस दे रहे हैं और सबसे ज्यादा व्यूज आपके गए, कब था जब वो आपके सबसे ज्यादा व्यूज गए, रिकॉर्ड तोड़ दिया? दो साल पहले मैंने एक सीरीज करी थी 100 डेज ऑफ ड्रीमिंग, उसमें 90 दिन के अंदर हमें मिले थे 350 मिलियन व्यूज अकेले, और उस समय मैं दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बन गया पूरी दुनिया का 2 दिन के लिए। तो वो बहुत रैपिड ग्रोथ थी, 2 दिन का शहनशाह, लेकिन शहनशाह तो बने। और उसके बाद भी रौनक की वीडियोस लगातार ट्रेंड करती रहती हैं, तो फिर अचानक से कैसे लगा कि चलो गंगा किनारे और एक कहानी लिखी जाए? गंगा से प्यार मेरा बचपन से रहा है, गंगा के साथ फैसिनेशन रहा है। और पहली बार जब मैं ऋषिकेश गया, कुछ 18 साल का रहा हूँगा, तब बस मन में आ गया कि मेरे को यहाँ कुछ समय बिताना है ऋषिकेश में। ऐसा इरादा नहीं था कि गंगा के साथ चलेंगे या कुछ करेंगे, ऋषिकेश रहना है। बट धीरे 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 ये सीड बॉर्न हुआ। 2023 में लास्ट ईयर मैंने थोड़ी सी नर्मदा परिक्रमा करी 100 किलोमीटर के करीब, और उसने मेरे को एक आइडिया मेरे बीच डाल दिया कि जब नर्मदा पे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को मिला है तो क्यों ना गंगा के साथ भी ऐसा ट्राई किया जाए। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है रौनक, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं यूट्यूबिंग जो भी बहुत ट्रेंड में रहना है, कैसा भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो कंटेंट जो आपको कल्चर और एनवायरनमेंट से जुड़े और एट द सेम टाइम उतना ही पसंद भी किया जा रहा है, ये मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है। थैंक यू सो मच। मैं वीडियोज़ इसलिए नहीं बनाता ताकि लोगों को पसंद आए, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरा है कि मेरे को पता है मेरी लिमिटेड नॉलेज है, मेरे को नॉलेज थोड़ी एक्सपैंड करनी है। इससे पहले मेरे को नहीं पता था नर्मदा परिक्रमा क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आज मेरे को पता है। गंगा के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि क्या महत्व है गंगा का, किस किस शहर में, कहाँ गंगा बहुत ही मैली है, कहाँ गंगा पे लोग माँ मानते हैं और कहाँ नहीं मानते, कहाँ पर है ऐसे ही है, कहीं पर बूढ़ी गंगा बुलाया जाता है गंगा को, तो इस चीज़ें नहीं पता थी। मेरे को है क्यूरियोसिटी, मेरे को जानना है। आपको ये भी अभी समझ आ गया कि हम इतने सालों से इतनी पॉलिसीज ला रहे हैं, गंगा साफ करने की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं साफ हो पा रही? नहीं हो पा रही साफ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट कानपुर के अंदर, आई थिंक बीट एनी प्रोजेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट, बीट एनी पॉलिसी, एन नंबर ऑफ मनी वी आर स्पेंडिंग, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? मेरे को लगता है लोग तब तक नहीं अवेक होते हैं जब तक एकदम सर पे दिक्कत खड़ी है। अब गौमुख का ग्लेशियर का साइज देखेंगे, हर साल बहुत रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। सतयुग में कहा जाता है कि गंगा की शुरुआत गंगोत्री से होती थी, आज गंगोत्री और गौमुख का डिस्टेंस है 18 किलोमीटर। पता नहीं कितने हजारों साल हो गए, मैं मानता हूँ, मगर अब जो रैपिड पेस से ग्लेशियर डिक्लाइन हो रहा है, नॉर्थ इंडिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो। एग्जैक्टली, तो ये जो आपकी यात्रा है और इससे आपने जो सारा का सारा इनसाइट अपना इकट्ठा किया है, वेयर आर यू लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी आप इसको और आगे कहाँ डिलीवर करें? कहीं आपको ये भी लगा कि गवर्नमेंट एजेंसीज या किन्हीं के साथ आपको बात करनी चाहिए और बतानी चाहिए आपकी ऑब्जर्वेशंस? मेरे को अब इस बुक में हमने उतार दिया बड़ी सच्चाई से जो जो हमने देखा है। मुझे लगता है खूबसूरती ज्यादा उतारी है। पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है, एक्चुअल खूबसूरत होता क्या है। बड़ा अच्छा वो वाक्य है कि कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ के अंदर खिलता है। तो यू विल सी दी मेलेडीज के साथ ट्रेजेडीज, चैलेंजेस क्या रहे आपके साथ? बहुत सारे चैलेंजेस थे। गंगा सागर मेला मैंने अटेंड किया, दुनिया की लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग, पश्चिम बंगाल। यस गंगा सागर के अंदर ही, सागर आइलैंड बोलते हैं उसको, तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग कुंभ के बाद, उस महाकुंभ है बट उसके बाद ये। तो वहाँ अगर मतलब गंगा सागर के बारे में जो मैं बचपन से सुनते आई हूँ, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, बिल्कुल वो इसलिए बोलते हैं बहुत हार्ड है। बहुत उस समय तो कितना ही हार्ड होगा आप इमेजिन कर सकते हैं, अभी भी बहुत कठिन है। तो कुछ भी गवर्नमेंट कोई भी फैसिलिटीज दे दे, वहाँ सब कम है। वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग सड़कों पर सो रहे हैं, लोग कहीं भी कुछ भी करके, नॉट वेरी प्लेजेंट साइट टू सी। उस तरह की कुछ हार्डशिप्स रही,
मतलब एक बोट में अब चैम्पिड तो होगा ही होगा, वहां से कितनी खबरें आती हैं कि आज 10 लोग मर गए, 15 लोग मर गए, ये होता है और ये हर साल होगा, और इसमें कोई गवर्नमेंट एजेंसी कुछ नहीं कर सकती। एज अ सोसाइटी हमें बेसिक मैनर्स ही नहीं है, दिस इज वेरी क्लियर, वेरी एविडेंट। आप यहाँ देखेंगे बोट में भर भर के लोगों को ले जाया जा रहा है, बताइए वही बोट जब डूब जाती है तो फिर वो। और अभी आप देखिए ना, अभी था कि उत्तराखंड सरकार ने 3 टन कचरा, इनफैक्ट हिमालय से भी कितने टन कचरा जो है हटाया गया है, और पता नहीं कितने टन कचरा वहाँ पर बाकी है। और मतलब ये हम अपने ट्रेड्स छोड़ करके आते हैं जब हम जाते हैं ऐसी पवित्र जगह के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता एग्जैक्टली कि लायक हैं हम एज अ ह्यूमन रेस कि हम लोग नेचर को एक्सप्लोर कर सकें। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। गंगा सागर में मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही, सब जा रहे हैं गंगा माँ की पूजा करने, जहाँ पर वो समुद्र में मिलती हैं वहाँ पे मकर संक्रांति के दिन पे सब जाते हैं। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि बोट के अंदर सब घुस गए हैं, मैं पहले चले जाऊँ इसलिए मैं आपको धक्का दूंगा, मैं आपके पंच मारूंगा, मैं आपको फेंक दूंगा पीछे, क्योंकि मेरी पूजा आपसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक सी गलत हो गए ना, आपके साथ वाले आदमी को जो बूढ़ा है उसको आप पकड़ के पीछे फेंक दे रहे हो, ताकि आप क्या कर लोगे फिर। तो बेसिक सी लोगों के थोड़े हिले हुए हैं। कुछ ऐसे सबसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस जो आपको लगा कि मतलब बहुत आई इन अ लाइफ टाइम टाइप के, बहुत आई ओपनिंग एक्सपीरियंसेस रहे। एक मेरे को आप चैप्टर 2 के अंदर देख सकते हैं ये वाली फोटो, क्योंकि अभी आपने खोली हुई थी। तो मेरे को इन माता जी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने का मौका मिला। ये गंगोत्री के जंगलों में ऊपर, गंगोत्री के जंगल में बोल रहा हूँ मैं, गंगोत्री भी नहीं बोल रहा, गंगोत्री से भी ऊपर थोड़ा जहाँ जंगल है वहाँ माता जी अकेले कुटिया डाल के रहती हैं। और कहते हैं मतलब जो असली केव्स में रहते हैं, और इसमें आप और भी फोटो देखेंगे, बिल्कुल वहीं पे मिलते, बिल्कुल। तो मेरे को उनको बहुत क्लोजली देखने का मौका मिला माता जी के द्वारा। इन्होंने दिखाया कि लोग जो साधु संत हैं वो कैसे केव्स में रहते हैं, हमने सुना है, मैंने खाली सुना था इससे पहले, मैंने देखा। इतनी हार्श विंटर होती है गंगोत्री में, आपके नाखून जम जाएंगे, -15 -20 की सर्दी, कोई लाइट नहीं है, कोई हीटर नहीं है, वो लोग रह रहे हैं उनकी आस्था है, फ्रोजन वाटरफॉल्स, आप नारनिया जैसा सीन इमेजिन कर सकते हैं, वाटरफॉल जमे हुए हैं वहाँ पर, मेडिटेशन कर रहे हैं बैठ के। तो कुछ तो ऐसा, हम जिस आध्यात्मिकता और जिस अलौकिकता की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हमारे देश के ये जो हिस्से हैं, हमारे देश की ये जो पवित्र नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ये हमें जोड़ते हैं, और शायद ये बनी भी उसी लिए थी, लेकिन अब लोगों ने उसका जो टर्म है, जैसे अभी केदारनाथ में आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल बैन करने पड़े क्योंकि अति हो गई। हाँ जी, हाँ जी। हर कोई जा रहा है सिर्फ मोबाइल निकाल के अपनी उस तरीके की इंस्टाग्राम रील सेटिस्फाई करने के लिए, सिर्फ इसके लिए। तो उनका वो जिस हम अध्यात्म की बात करते थे, जिस इंसाइटफुलनेस की बात करते थे, मुझे नहीं लगता कि लार्जली, मतलब मैं ये नहीं कहती कि सब लोग, लेकिन लार्जली मुझे लगता है कि एवरीबडी इज गोइंग आउट ऑफ फैसिनेशन एंड काइंड ऑफ दैट शो ऑफ, ट्रेंड बन गया है, प्रचार करना ट्रेंड बन गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। दिस इज वेरी बैड एक्चुअली, दिस इज वेरी बैड। हां जी, ये तो इसका असर आपने देखा होगा, बिकॉज़ हर जगह देखने को मिलता है। अब मैं भी गौमुख पहुंच पाया हूं, मैं भी गौमुख पहुंच पाया, इसीलिए पहुंच पाया क्योंकि अब बेटर रास्ते हैं, रोड्स अच्छी हैं, तभी पहुंच पाया हूं। आसान होता जा रहा है, ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, गंद बढ़ता जा रहा है, इसीलिए रास्ते इतने कठिन बनाए गए थे। कहते हैं कि पहाड़ के जो देवी देवता हैं, इसीलिए वो पहाड़ों में जाकर मेडिटेशन करते थे कि उनको ये सब जो सांसारिक लोग हैं उनसे दूर होकर के जाना था, लेकिन हम वहाँ पर भी इंट्रूड करना जानते हैं। तीर्थ पे लोग निकलते थे तो घर पे ऐसे बोल के निकलते थे, तीर्थ जा रहा हूँ, शायद अभी लौट के ही नहीं आएंगे। आइडिया ही वही था, इट वॉज वेरी टफ, इसलिए गंगा सागर का भी बोला जाता है सुपर टफ, अभी इट इज ईजी, सो पीपल आर जस्ट रशिंग इन। बिल्कुल। सो लास्टली, व्हाट्स योर टेक अवे गौरव, अगर हम बात करें अपनी इस पूरी समाप्त करना हो तो। हाँ जी, तो मैंने लास्ट में एक बहुत, मेरे को लगता है कि सुंदर लाइन लिखी है, तो इसमें मैंने उसको समाप्त कर दिया है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये, दिस इज माय टेक अवे, दिस इज माय टेक अवे, द कियोस, आई विल रीड इट फॉर आवर ऑडियंस, द कियोस दैट कंज्यूम्ड मी जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो हैज सेटल्ड नाउ। I carry Ganga in my heart, I carry Ganga in my mind, sitting on the banks of Ganga as I write this, I take a deep breath, but for me maybe this was all this journey about, just a deep breath. That was it. I carry Ganga in my mind, I carry Ganga in my heart. What I mean by this, I just mean I want to flow like Ganga, I want to be like Ganga. Means less of this, more of this, and just flow. This is what I have learned. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद विल शेक यू, लाइक अगर आपको नहीं वो दुनिया के बारे में पता है, सम इंस्टेंस विल शेक यू एंड देन यू विल रियलाइज के ओ
डेफिनेटली मुझे आपकी और हम पर्सनल इंसाइट्स भी जानेंगे ऑफ द कैमरा. थैंक यू सो मच रौनक फॉर टॉकिंग टू अस. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और ये एक बहुत बहुत खूबसूरत किताब भी हमें देने के लिए, जिसे बहुत चैन से बैठ के मैं भी सोच रही हूँ कि अभी प्लान है मेरा भी गंगा किनारे जाने का, तो आने वाले दिनों में तो वहाँ बैठ करके इसे मैं पढ़ूंगी, इसका आनंद लूंगी गहरी सांस के साथ जैसे रौनक ने बताया. आपको लगेगा आप डीप ब्रेथ लेते हैं, आपको अच्छा लगता है ना, टेंशन कम हो गया. दिस इज व्हाट इट इज. चलिए हम भी उसका लाभ उठाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू.